नमोरिहंता नमो सिद्धार नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोय सब साहु नमे सब बंद नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानम च सब्बे सिं परमं हवै मंगलम पुरीमा चरिमान कपो मंगलम वर्धमान तीथमी इह परिकहिया जिनगन हराई थीरावली चरियम। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर के गर्भ में आए बाद ग्रीष्म ऋतु का जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ उस समय इस पवित्र आत्मा के प्रादुर्भाव से केवल क्षत्रिय कुंडपुर ही नहीं क्षण भर के लिए समस्त संसार लोकोत्तर प्रकाश से प्रकाशित हो गया था और आकाश मंडल में दुंदुभी बजने लगी थी। खास विशेषता तो यह थी कि सदा दुख के भोक्ता नरक के जीवों को भी क्षण मात्र आनंद प्राप्त हुआ तथा समस्त पृथ्वी उल्लसित हुई और सर्वत्र आनंद आनंद दृष्टिगोचर हो रहा था। भगवान का जन्म होते ही सबसे पहले 56 दिक्कुमारियों के आसन कंपाईमान हुए। अवधि ज्ञान से प्रभु का जन्म अवसर जानकर हर्षित होती हुई यहाँ पर आकर क्रमशः इस प्रकार भक्ति करने लगी। भोगंकरा भोगवती सुभोगा भोगमालिनी सुवत्सा वत्समित्रा पुष्पमला अनिंदिता इन 8 दी कुमारियों ने अधोलोक से आकर प्रभु को और प्रभु की माता को नमस्कार समर्थक वासु वायु गोल द्वारा योजन प्रमाण पृथ्वी को शुद्ध और सुगंधित बनाकर एक सूती का ग्रह की रचना की। ये 8 दिक् कुमारियाँ दक्षिण रुचक पर्वत से आकर हाथ में जल से भरे हुए कलश धारण कर भगवंत और भगवंत की मातेश्वरी को स्नान कराती हुई गीत गान करती है। इला देवी सुरा देवी पृथ्वी पद्मावती एकनासा नवमिका भद्रा सीता ये 8 दिक् कुमारियाँ पश्चिम दिशा के रुचक पर्वत से आकर प्रवन के लिए हाथों में पंखे लेकर सामने खड़ी रही। अलम्बुसा मित केसी पुंडरिका वारुणी हासा सर्वप्रभा श्री और ह्री ये 8 दिक् कुमारियाँ उत्तर दिशा के रुचक पर्वत से आकर चावर डुलाती है। चित्रा चित्र कनका श्वेतरा वसुदामिनी ये 4 दिक् कुमारियाँ रुचक पर्वत की विदिशाओं से आकर हाथों में दीपक धारण कर भगवंत के आगे खड़ी रही। रूपा रूपा सिका सुरूपा रूपकावती ये 4 दिक् कुमारियाँ रुचक दीपक के मध्य दिशा से आकर 4 अंगुल बाकी रख से स्नाल को से छेद के पास में गड्ढा खोद कर पृथ्वी के अंदर रखती है और ऊपर रत्नमय चबूतरा बनाकर उसके ऊपर दुब बोती है। दिक् कुमारियाँ जिनेश्वर प्रभु के जन्मगृह से पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में 3 केले के घर बनाती हैं। उनमें से गंगादी दक्षिण दिशा के केले के घर में भगवान और भगवान की माता को ले जाती है और वहां उन्हें तेलादि मर्दन करती है। फिर प्रभु पूर्व तरफ के घर में स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण पहनाती है। उत्तर दिशा के घर में 2 अरणी काष्ठ घिसकर अग्नि पैदा करती हैं और चंदन का होम करके उन्होंने दोनों को रक्षा पोटली बांधी। फिर मणि के 2 गोलों को उछालती हुई तुम पर्वत के समान आयुष्य वाले बने रहो इस प्रकार कहकर प्रभु और उनकी माता को जन्म स्थान में रखकर वे अपने स्थान की ओर रहकर गीत गान करती है। उन दिक् कुमारियों में से प्रत्येक के साथ 4,000 सामानिक देव होते हैं, 4 महात्राएँ होती हैं, 16,000 अंगरक्षक होते हैं, 7 सेनाएँ और उनके अधिपति होते हैं, अन्य भी महर्दिक देवता होते हैं। अभियोगिक देवताओं द्वारा विमान में बैठकर वहां आती हैं। उस समय पर्वत के समान निश्चल इंद्र का आसन चलायमान हुआ। इससे अवधि ज्ञान द्वारा इंद्र ने अंतिम तीर्थंकर प्रभु के जन्म को समझ लिया। वज्रमय एक योजन के बराबर सुघोषा नामक घंटा इंद्र ने नई गमेशी देव से बजवाया। समस्त देव विमानों की घंटियां बजने लगी। देवों के ध्यान देने पर हरिन गमेशी देव ने उच्च स्वर से इंद्र की आज्ञा सुनाई।
और तीर्थंकर के जन्मोत्सव में जाने के लिए इंद्र की आज्ञा सुनकर देव हर्षित हुए। हर्षित होकर चलने की तैयारी करने लगे। पालक नामक देव के बनाए हुए 100,000 योजन के बराबर वाले विमान में इंद्र सिंहासन पर बैठे। फिर इंद्र के आसन के सामने इंद्र की अग्रमहिषियों के 8 भद्रासन बिछाए गए। इंद्र के बाएँ और 84,000 सामानिक देवों के भद्रासन थे। दक्षिण तरफ 12,000 अभ्यंतर परसदा के देवों के भद्रासन थे। मध्यम परसदा के 14,000 देवों के 14,000 भद्रासन थे। इसी तरह 16,000 बाह्य परसदा के भद्रासन थे। पिछले भाग में 7 सेनापतियों के 7 भद्रासन थे। चारों ओर प्रत्येक दिशा में 84,000 आत्मरक्षक देवों के 84,000 भद्रासन थे। इस प्रकार अन्य भी करोड़ों देव देवियों से वेष्टित और सिंहासन पर बैठकर गीत गान गाते हुए इंद्र वहाँ से चल पड़े। पालक विमान के सिवा अपने विमानों द्वारा और भी देव चल पड़े। उनमें कितने तो इंद्र की आज्ञा से, मित्रों की प्रेरणा से, अपनी पत्नी की प्रेरणा से, तमाशा देखने की भावना से, आश्चर्य देखने के लिए आत्मीय भाव से और भक्ति भाव से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजों से, घंटों के निनादों से, देवताओं के कोलाहल से और सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। सिंहाकृति वाले विमान पर बैठा हुआ देव हाथी पर बैठे हुए देव से कहता है, भाई अपने हाथी को बचा ले, नहीं तो दूरधर मेरा केसरी सिंह इसे मार डालेगा। इसी तरह भैंसे पर बैठा घोड़े सवार से, गरुड़ पर बैठा हुआ सर्प वाले से, चीते पर बैठा हुआ बकरे वाले से असादर कहता है, उस समय करोड़ों देव विमानों से विशाल आकाश भी संकीर्ण सा हो गया। देव उत्सुकता से मित्र को छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। कहते थे कि भाई जरा ठहरो, हम भी आते हैं। कई कहते थे कि भाई पर्वत के दिन संकीर्ण होते हैं, इसलिए चुपचाप चले आओ। इस प्रकार आकाश मार्ग से गमन करते देवों के सिर पर चंद्रमा की किरण पड़ने से वे वृद्ध जैसे सोखते थे और तारे गले में रत्नों के कंठ जैसे सोखते थे और शरीर पर पसीने के बिंदु सरीखे सोखते थे। इस तरह इंद्र नंदीश्वर द्वीप में विमान को स्थिर करके भगवान और उनकी माता के पास आकर 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करता है और कहता है कि हे रत्नकुक्षी, जगत में दीपिका समान माता, आपको नमस्कार। मैं देवों का स्वामी शक्रेंद्र हूँ, स्वर्ग से आया हूँ और प्रभु का जन्मोत्सव करने के लिए प्रथम देवलोक से आया हूँ, इसलिए माता आप डरना नहीं। इस प्रकार कहकर इंद्र ने अवस्वापिनी निद्रा दे दी और प्रभु का एक प्रतिबिंब बना कर के माता के पास रख दिया और भगवान को अपने हस्त संपूर्ण में लेकर विशेष लाभ प्राप्त करने की भावना से इंद्र ने अपने 5 रूप बनाए और 1 रूप से प्रभु को ग्रहण किया, 2 रूपों से प्रभु को दोनों तरफ चावल भेजने लगा और 1 रूप से सत्र धारण किया और 1 रूप से वज्र धारण किया। अब देवों के आगे चलने वाले पीछे मानते हैं और अपने मानते हैं और उस समय तुम्हारे चरणों उपस्थित हो जाते हैं, बीच मारे हो जाते हैं। पस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, जोर बजाया हो के डंका जोर बजाया हो, जोर बजाया हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। पूजा की पंक्तियों में बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है कि तपस्वियों ने तपस्या करके डंका बजाया है। हमारी श्री संघ की, चंडीगढ़ श्री संघ की श्राविका दीपा बहन ने मासक शमन की
बड़ी तपस्या करके श्री संघ में एक तरह से तपस्या का माहौल बना दिया है। दीपा बहन को देखकर बहुत सारे भाई बहनों ने पर्वाधिराज परुषन में अट्ठाई अट्ठम एकासना वगैरह बहुत कुछ छोटी बड़ी तपस्याएं प्रारंभ की हैं। तो ऐसे आज पचखान यानी कि इसको पूजना भी बोला जाता है। तो सकल श्री संघ यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी के मन में भावोल्लास है, तपस्या की अनुमोदना सब लोग कर रहे हैं। वैसे तो दीपा बहन का पारना होगा 20 को और 22 को भी बड़ा कार्यक्रम है, जुलूस निकलेगा, वरघोड़ा निकलेगा, सूरत बंबई सब जगह से लोग मेहमान आ रहे हैं, तो 22 तारीख को भी कार्यक्रम है। तो इस तरह से हमारे श्री संघ में पर्वाधिराज परुषन के दिनों में जब से मेरा यहाँ पर चातुर्मास प्रारंभ हुआ है उसी दिन से लेकर धर्माराधना छोटी बड़ी तपस्याएँ आम्बिल तप एकासना वगैरह बहुत कुछ चल रहा है। तो इन सभी तपस्या की तपस्वी भाई बहनों की मैं खूब खूब भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ और इसी तरह हमारे जीवन में निरंतर देव गुरु धर्म के प्रति आस्था भावना श्रद्धा भावना बढ़ती रहे यही मैं मंगल कामना करता हूँ। तो अब मैं पचकान दे रहा हूँ। उपवास चौविहार तिविहार पानाहार सूर्य अभतटम बचकाय चौवीहम तिवीं भी आरम्भ असनम पानम खमंगन सगन पारिठम नगर मंथ का पानाहार पोर्सी साठ पोर्सी परिमर्डम गाय अनथन अवगन सगण दिशा मोहिनम सगन महतरागारणम ससमावति आगारणम पानस लिवेन वा लिवेन वा छेन वा बौलेवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा वो सिरे सूर्य अठम सूर्यगे अठम पतनम बचगाय सूर्यगे अभतनम बचगाय चौविदेवी आरम अश्रम पानम खमोगन सगरणम पारिठम न्यागरण महतरागरणम ससमति आगरण पानहार पोर्सी सार पोर्सी परिमढ़ गाय अनथ नमोगन सगरण बचगारणम दिशा मोहिनम सगरण महतरागरणम ससमति आगरणम पानस लिवेन वा लिवेन वा छेन वा बहुलेवेन वा ससिथेन वा सिथेन वा वोसरे। कोमल चित वाले सक्रेंद्र को शंका हुई कि लघु शरीर वाले प्रभु इतने जल का भार कैसे सहन कर सकेंगे। उस समय इंद्र के संशय को जानकर वीर प्रभु ने दाहिने अंगूठे को मेरु पर्वत पर स्पर्श करके चारों ओर से मेरु पर्वत को कंपायमान किया। इससे पृथ्वी घूमने लगी, शिखर गिरने लगे और समुद्र विक्षोभायमान हो गया। ब्रह्मांड को फोड़ डाले ऐसे शब्द होने पर क्रोधित होकर इंद्र ने अवधि ज्ञान से जानकर प्रभु से क्षमा मांगी। असंख्य तीर्थंकरों में से मुझे आज तक किसी ने भी अपने पैर से स्पर्श नहीं किया, किंतु प्रभु वीर ने स्पर्श किया। इस कारण मानो हर्ष के मारे मेरु पर्वत नाचने लगा। उसने विचार किया, इस नात्र जल के अभिषेक से झरते हुए समस्त झरने रूप मैंने हार पहने हैं तथा जिनेश्वर रूपी मुकुट को धारण करके मैं आज सब पर्वतों का राजा बना हूँ। अब स्नात्र उत्सव के लिए इंद्र ने सबको आदेश दिया। प्रथम अच्युतेंद्र ने प्रभु का अभिषेक कराया, फिर अनुक्रम से बड़े से छोटों ने और अंत में सूर्य और चंद्र ने स्नात्र कराया। वहाँ पर कवि घटना का वर्णन करता है कि स्नात्र महोत्सव के समय अंतिम तीर्थंकर के मस्तक पर श्वेत छत्र के समान शोभता हुआ, मुख पर चंद्र किरणों के समूह समान शोभता हुआ, कंठ में हार के समान शोभता हुआ, समस्त शरीर पर चीनी चोले के समान शोभता हुआ इंद्रों द्वारा कलशों में से नीचे गिरता हुआ क्षीर समुद्र का जल तुम्हारी लक्ष्मी के लिए हो, तुम्हारे कल्याण के लिए हो। फिर इंद्र ने चार बैलों का रूप धारण किया और उनके आठ श्रृंगों से दूध की धारा द्वारा वह प्रभु का अभिषेक करने लगा।
सचमुच ही देव बड़े चतुर होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्नान तो प्रभु को कराया और निर्मल अपने आप को कर लिया। देवों ने मंगल दीपक तथा आरती करके नृत्य गीत और वाद्य आदि से विविध प्रकार का महोत्सव किया। इंद्र ने गंध कसाई नामक दिव्य वस्त्र से प्रभु के अंग को प्रमार्जित साफ कर चंदनादि से विलेपन कर पुष्पों से पूजन किया। फिर प्रभु के सम्मुख रत्नों के पट्टे पर चांदी के चावलों से इंद्र ने दर्पण, वर्धमान, कलश, मत्स्ययुगल, श्रीवत्स, स्वस्तिक, नंदावर्त तथा सिंहासन, इन 8 मंगलों को आलेखित कर प्रभु की स्तुति की। तत्पश्चात प्रभु को उनकी माता के पास लाकर रखा और प्रभु के प्रतिबिंब को और अवस्वापिनी निद्रा को वापिस ले लिया। फिर इंद्र ने वहाँ एक तकिया, कुंडल और रेशमी वस्त्र की जोड़ी रखी। चंद्रवे में श्री बदाम, रत्नदाम और स्वर्ण की गेंद रखी। 32 करोड़ सुवर्ण मोहरे और रत्नों की वृष्टि कराकर इंद्र ने अभियोगिक देवों से घोषणा करा दी, प्रभु या प्रभु की माता की तरफ से जो कोई मनुष्य अशुभ विचार करेगा उसके मस्तक के अर्जुन वृक्ष की मंजरी के समान 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब वह प्रभु के अंगूठे में अमृत स्थापन कर तथा नंदीश्वर द्वीप में 28 महोत्सव कर सब देवों सहित अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार देवताओं द्वारा किया हुआ प्रभु महावीर का जन्मोत्सव समझना चाहिए। अब प्रातःकाल प्रियंवदा नामक दासी ने जल्दी राजा के पास जाकर पुत्र जन्म की बधाई दी। उस बधाई को सुनकर सिद्धार्थ राजा अत्यंत हर्षित हुए। उस हर्ष के कारण उसकी वाणी भी गदगद हो गई और शरीर पर रोमांच हो गए। राजा ने अपना मुकुट रखकर शरीर के तमाम आभूषण प्रियंवदा को दे दिए और हाथ से उसका मस्तक धोकर उस दिन से उसका दासीपना दूर कर दिया। जिस रात्रि श्रमण भगवान महावीर प्रभु ने जन्म लिया उस रात्रि कुबेर रात्रि की आज्ञा मानने वाले बहुत से तीर्यन जिम्ब्रिक देवों ने सिद्धार्थ राजा के भवन में सुवर्ण, चांदी, हीरों तथा वस्त्रों एवं आभूषणों की नागरवेल आदि के पत्रों, पुष्पों तथा नारियल आदि के फलों की, साली आदि के बीजों की, पुष्पमालाओं की, सुगंध वासक्षेप की, हिंगलादि वर्ण की तथा द्रव्य की वृष्टि की। इस तरह भवनपति वान व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक देवों ने अभिषेक किए। बाद में प्रभात काल में सिद्धार्थ राजा ने नगर के आरक्षकों को बुलवाया और उनको आज्ञा दी कि हे देवानुप्रियो, तुम शीघ्र ही इस क्षत्रिय कुरुंड ग्राम में जितने जेल खाने हैं और उन सबको साफ करो, अर्थात उनमें रहने वाले तमाम कैदियों को छोड़ दो। कहा भी है कि युवराज के अभिषेक के समय, शत्रु के राज्य का नाश करते समय तथा पुत्र जन्मोत्सव के समय कैदियों को बंधन से मुक्त करना चाहिए तथा नाप कर देने वाली और तोल कर देने वाली वस्तुओं के माप प्रमाण से वृद्धि करा दो और ऐसा कराकर इस क्षत्रिय कुंड ग्राम को अंदर और बाहर से अत्यंत शोभायुक्त कराओ। सुगंधित जल का छिड़काव कराओ। कूड़ा कचरा सब दूर करो। गोबर आदि से लिपवाओ। सिंगाड़े के आकार के 3 कोने वाले स्थानों मार्गों को मिलाप स्थानों, 4 मार्गों के मिलाप स्थान और 4 दरवाजे वाले देवालय यदि स्नान राज मार्गों को साधारण मार्गों जल सिंचन कर तथा कचरा फेंक कर जमीन सपाट और साफ कर शोभा युक्त करो। मार्ग के मध्य भागों में, दुकानों के मार्गों में तथा बाजारों में रास्ते के किनारे पर माल बंद मंच बंधा दो, जहां पर बैठकर लोग महोत्सव देख सके। अनेक प्रकार की रंग बिरंगी विविध चित्रों वाली ध्वजाएं तथा पताकाएं लगा दो। गोबर आदि से जमीन को लेप कराओ। चूने से दीवारों पर सफेदी कराओ तथा गोसिर चंदन, रसयुक्त रक्त चंदन, दर दर पर्वत के उत्पन्न होने वाला चंदन और चंदन के थापे लगवाओ। घरों में चौकड़ियाँ पर चंदन कलश स्थापना कराओ और ऐसा कराकर नगर को सजा दो। मकानों के दरवाजों पर ऊपर से लेकर जमीन तक लंबी विशाल गोल आकार की पुष्पमालाओं के सम्मुख लटका दो और शोभायुक्त करो। जमीन पर रस सुगंधमय पंचवर्णी सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कराओ। जलते हुए कृष्णा गरु, चंदन, तुरुष्क आदि विविध जाति के धूप की सुगंध से सुगंधित करो। सुगंध वाले चूर्णों से मनोहर करो। यह सब कुछ खुद करो और दूसरों के पास कराकर नाटक करने वालों को, नाचने वालों को, रस
हस्तों पर खेलने वालों को और मुट्ठी से युद्ध करने वाले मल्लों, मनुष्यों, हंसाने वाले विदूषकों और मुख विकार की चेष्टा से लोगों को खुश करने वाले और सुंदर सरस कथा करने वाले वाले हाथी, ऊंट या ऊंचे रखे बाँसों पर बांधने वाले, बाँस पर चढ़कर खेलने वाले और हाथ में तस्वीर रखकर भिक्षा मांगने वाले, गौरी पुत्रों को त्रीन नामक वाद्य बजाने वाले, वीणा बजाने वाले तथा तालियां बजाकर अथवा नाच करने वालों से इस क्षत्रिय कुंड ग्राम को स्वयं शोभायुक्त करो और दूसरों से कराओ। ऐसा कराकर हजारों ही गाड़ियों के जुओं तथा मूसलों का एक जगह ढेर लगा दो, जिससे महोत्सव के अंदर कोई मनुष्य हल तथा गाड़ी न चला सके। हमारी आज्ञा का पालन करो, फिर लौट कर बताओ कि हमने सब कुछ कर दिया है। इस प्रकार सिद्धार्थ राजा द्वारा आदेश पाकर वे कौटुंबिक पुरुष हर्षित और संतुष्ट हुए। हर्षपूर्ण हृदय वाले होकर दोनों हाथ जोड़कर 10 नाखून मिलाकर आवर्त कर मस्तक पर अंजलि कर सिद्धार्थ राजा की आज्ञा को विनय से सुनकर तुरंत ही क्षत्रिय कुंड ग्राम में जाकर कैदियों को छोड़ देने से लेकर हजारों जुए और मूसल एकत्रित कर करने तक तमाम कार्य कर जहाँ सिद्धार्थ राजा है वहाँ आते हैं। आकर हाथ जोड़कर यावत 10 नाम मिलाकर आवर्त कर मस्तक पर अंजलि करके सिद्धार्थ राजा की आज्ञा पालन का समाचार देते हैं। अब सिद्धार्थ राजा स्वयं वहाँ से उठकर व्यायामशाला में जाते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं। व्यायाम कर तेल मर्दन कराकर स्नान घर में जाकर सुगंधित कबोष्ण जल से स्नान करते हैं। फिर वस्त्राभूषण धारण कर राजसभा में आते हैं। अब सर्व प्रकार की रिद्धि से, सर्व वस्तुओं के संयोग से, सर्व सैन्य से, पालकी, घोड़ा आदि वाहनों से, परिवार के समूह से, अंतेउर और पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, अलंकार आदि की शोभा से, शंख, डंका, नगाड़ा, नौबत, खंजरी, रणसिंगा, हुडुक नाम का वाजिंद्र, ढोल, मृदंग और दुंदुबी, ऐसे सर्व प्रकार के वाजिंद्रों से, बाजों के एक साथ ही होने वाले शब्द समूह से युक्त होकर सिद्धार्थ राजा 10 दिन तक स्थिति पतिता नामक महोत्सव करते हैं। उस महोत्सव में बेचने वाली वस्तुओं पर माफ कर दिया गया, वस्तुओं पर कर माफ कर दिया गया। प्रतिवर्ष प्रजा से जो कर लिया जाता था वह भी उस समय माफ कर दिया गया। इन कारणों से प्रजाजनों के हर्ष द्वारा वह महोत्सव अत्यंत उत्कृष्ट हो गया। उस महोत्सव में राजा की ओर से आज्ञा हो गई कि यदि किसी मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वह दाम दिए बिना ही दुकान से ले जा सकता है। दाम राजा की ओर से दिए जाएंगे। उस महोत्सव में राजपुरुषों की ओर से किसी भी प्रजाजन को कुछ भय नहीं है। राजदंड भी माफ कर दिया गया है। यदि इस महोत्सव में किसी का किसी से कुछ लेन देन है तो वह भी राजा की ओर से ही दिया जाएगा। रमणीय वेश्याओं से, नाटक पात्रों से, तालियों बजाने वाले तालाचारों से, वाजिंद्र तथा मृदंग बजाने वालों से तथा विकस्वर बनी हुई पुष्प मालाओं से नगर को अत्यंत मनोहर एवं शोभायमान किया गया तथा देश भर के लोग अत्यंत आनंदित होकर क्रीड़ा में निमग्न हो गए। इस तरह सिद्धार्थ राजा ने कुल मर्यादा के अनुसार 10 दिन तक पुत्र जन्मोत्सव मनाया। जब सिद्धार्थ राजा ने महोत्सव के बाद, जिसमें सैकड़ों हजारों एवं लाखों का खर्च हो, वैसा महा आडंबर युक्त प्रभु प्रतिमा की पूजा रचाई। प्रभु महावीर प्रभु के माता पिता पार्श्व प्रभु के संतानीय श्रावक थे और सूत्र में दिया हुआ यज धातु देव पूजा अर्थ में ही आता है, इसलिए मूल में याग शब्द से देव पूजा ही अर्थ समझना चाहिए। श्रावकों द्वारा दूसरा यज्ञ असंभव है। राजा ने उस पर्व में खूब दान दिया और मानी हुई मान्यताएं भी दी। अब सिद्धार्थ राजा दान देते हैं और सेवकों से दिलाते हुए स्वयं हजारों मनुष्यों द्वारा लाए हुए वधाम ने ग्रहण करते हैं, दूसरे सेवकों से भी कराते हैं। इस प्रकार महान उत्सव करके श्रवण भगवंत श्री महावीर प्रभु के माता पिता ने प्रथम दिन यह कुल मर्यादा की, तीसरे दिन चंद्र
और सूर्य के दर्शन का महोत्सव किया, जिसकी विधि इस प्रकार है। जन्म से लेकर 2 दिन बीतने पर गृहस्थ गुरु अरिहंत की प्रतिमा के पास चांदी की चंद्रमा की मूर्ति प्रतिष्ठित करके पूजन करके विधिपूर्वक स्थापित करे। फिर स्नान कराकर और उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर प्रभु सहित प्रभु की माता को चंद्रमा के उदय में बुलाया और चंद्रमा के सम्मुख ले जाकर ओम अरहम चंद्रोसी निशा करोसी नक्षत्रपति रसी सुधा करोसी औषधि गर्भोसी अस्य कुलस्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस चंद्र मंत्र उच्चारण करते हुए चंद्रमा के दर्शन कराए। फिर पुत्र सहित माता गुरु को नमस्कार करती है, तब गुरु भी आशीर्वाद देते हैं। सर्वोषधि मिश्र मरीचिजाल सर्वापदां संहरण प्रवीण करोत वृद्धिम सकले पिवंसे युष्माकमिंदु सततम प्रसन्न। समस्त औषधियों से मिश्रित किरणों के समूह वाला समस्त आपत्तियों को दूर करने में समर्थ चंद्रमा प्रसन्न होकर सदैव तुम्हारे वंश की वृद्धि करे। इस प्रकार चंद्र दर्शन के बाद चंद्र की मूर्ति विसर्जन करते हैं, इस प्रकार सूर्य दर्शन कराते हैं, उसमें मूर्ति सुवर्ण या तांबे की रखते हैं। ओम अरहम सूर्योसी दिना करोसी तमोपहोसी सहस्र किरणोसी जगत चक्षुरसी प्रसिद प्रसिद। इस प्रकार सूर्य का मंत्र बोल के वे गुरु पुत्र को तथा माता को सूर्य के दर्शन कराते हैं। फिर पुत्र सहित माता गुरु को नमस्कार करती हैं, तब गुरु आशीर्वाद देते हैं। सर्वसुरा सुरवंद्यः कारयिता अपूर्व सर्व कार्यानां भूयात्रिज त्रिजगच्चक्षुर मंगलदस्ते सुपुत्राय। समस्त देव और असुरों को वंदनीय सर्व अपूर्व कार्यों को करने वाला तथा जगत को नेत्र समान सूर्य पुत्र सहित तुम्हें मंगल को देने वाला हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर स्थापित की हुई सूर्य की मूर्ति विसर्जित करते हैं। इस तरह चंद्र सूर्य के दर्शन की विधि क्रम से होती है। आजकल सूर्य चंद्र की जगह बालक को सीसा दिखलाते हैं। इसके बाद पुत्र जन्म के 6ठे दिन कुल धर्म से रात्रि जागरण करते हैं। जब 11 दिन बीत जाते हैं असूचि दूर हो जाती हैं, अर्थात जन्म कार्य समाप्त होने पर 12वां दिन आने पर प्रभु के माता पिता बहुत सा असन पान खादिम स्वादिम 4 प्रकार का भोजन तैयार कराते हैं। फिर अपने सगे संबंधियों को अपनी जाति वालों को दास दासियों को तथा अपने मित्रों को और ऋषभदेव प्रभु के वंश के क्षत्रियों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। स्नान करके पूजादि का कार्य कर कौतुक मंगल कर तथा सभा के योग्य मांगलिक तो और शुद्ध वस्त्र पहनकर थोड़े परंतु कीमती आभूषण धारण करके शरीर अलंकृत कर प्रभु के माता पिता भोजन के समय भोजन मंडप में आकर उत्तम आसनों पर बैठते हैं। पूर्वोक्त स्वजनों के साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद कुल्ला कर तांबूल से मुख शुद्धि करके बैठक की जगह पर आसनों पर आ बैठे और उन्होंने उन स्वजनों का पुष्प वस्त्र सुगंध माला तथा आभूषणों से आदर सत्कार किया। ऐसा कर प्रभु के माता पिता ने उन स्वजनादि से कहा कि हे बंधुगण, पहले भी हमें इस बालक के गर्भ में आने पर यह विचार पैदा हुआ था कि जब से यह बालक गर्भ में आया है तब से हम चांदी सुवर्ण धन धान्य राज्य तथा द्रव्य एवं अनेक प्रकार की प्रीति सत्कार से अत्यंत वृद्धि पाए हैं तथा सीमा मध्यवर्ती राजा भी हमारे वश में आ गए हैं। इसलिए जब यह बालक जन्म लेगा तब इसके योग्य गुण निष्पन्न वर्धमान नाम रखेंगे। पूर्व में उत्पन्न हुई हमारी मनोरथ संपत्ति आज सफल हुई है, इसलिए हमारे कुमार का नाम वर्धमान ही समुचित है। तो काश्यप गोत्र वाले श्रवण भगवान महावीर प्रभु के 3 नाम हुए। उनके 3 नाम इस प्रकार है। माता पिता का रखा हुआ प्रथम वर्धमान नाम तप करने की शक्ति प्रभु में सहज ही उत्पन्न हुई थी, इस कारण उनका नाम श्रमण था। राग द्वेष रहित होने से
अकस्मात बिजली आदि पड़ने से उत्पन्न होता भय, सिंह से उत्पन्न होता भैरव तथा भूख प्यास आदि 22 परिसह तथा देवता संबंधी 4 उपसर्ग जिनके 16 भेद होते हैं उन्हें प्रभु ने लोकोत्तर क्षमाशीलता से सहन किया, यानी असमर्थता से नहीं परंतु क्षोभ रहित सहन किया। भद्राधिक तथा एक रात्रिक आदि प्रतिमाओं अभिग्रहों को पालन करने वाले 3 ज्ञान से मनोहर बुद्धिशाली जिन्होंने रति अर्ति को सहन किया है, अर्थात जिसे अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में हर्ष और शोक नहीं है, जो राग द्वेष रहित होने से गुणों के भाजन रूप हैं, ऐसा वृद्ध आचार्यों का मत है। पराक्रम संपन्न अर्थात खुद को मोक्ष में जाना निश्चित होने पर भी तपस्या प्रवृत्ति करने में पराक्रमशील है। प्रभु के वीरता के गुणों से युक्त होने पर देवों ने उनका नाम श्रमण भगवान महावीर रखा था। देवों ने ऐसा नाम क्यों रखा, इसके लिए वृद्ध संप्रदाय का मत है कि इस प्रकार सुरासुर नरेश्वरों द्वारा जिसका जन्मोत्सव किया गया है, ऐसे दास दासियों से परिवृत और सेवकों से सेवा पाते हुए वीर भगवान द्वितीय के चंद्र समान या कल्प वृक्ष के अंकुर के समान वृद्धि को प्राप्त होने लगे। प्रभु बाल्यावस्था में थे तब भी महान तेजस्वी, चंद्रमा के समान सौम्य, मनोहर मुख वाले, सिंदूर नेत्र वाले और भौरे के समान काले बाल वाले और परवाल के समान लाल ओठ वाले, देवताओं से अनंत गुण रूप को धारण करने वाले, ऐरावत हाथी के समान मनोहर गति वाले, दांतों की सफ़ेद पंक्ति युक्त कमल के समान कोमल हाथों सहित सुगंध युक्त श्वास वाले और कांति के समूह समान वे मति श्रुत और अवधि ज्ञान सहित थे। उन्हें पूर्व भव का भी स्मरण था, वे रोग रहित थे, मति कांति धीरज आदि अपने गुणों के द्वारा संसार वासियों से अधिक थे और जगत में तिलक के समान थे। अब इस तरह वृद्धि पाते हुए वीर कुमार जब 8 वर्ष के हुए तब एक दिन वीर कुमार कौतुक के न होने पर भी समान उम्र वाले कुमारों के आग्रह से उनके साथ आमल क्रीड़ा करने के लिए नगर के बाहर गए। वहाँ पर वे सब वृक्ष पर उतरने चढ़ने की क्रिया से क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय सौधर्मेंद्र अपनी सभा में देवों के समक्ष प्रभु के धैर्यादि गुणों की प्रशंसा कर रहा था। इंद्र ने कहा कि हे देवों, वर्तमान काल में मनुष्य लोक में श्री वर्धमान कुमार बालक होते हुए भी अबाल पराक्रमी अर्थात महापराक्रमी हैं। ऐसे इंद्रादि देव भी डराने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसे निडर है। यह सुनकर सभा में बैठे हुए एक मिथ्या दृष्टि देव ने विचारा, अहो इंद्र को अपने स्वामीपन का कितना अभिमान है, यह बिना विचारे कैसी गप मारता है। इंद्र की यह बात ऐसी है जैसे कोई कहे कि आकाश से एक रुई की पुनी गिरी और उससे एक नगर दब गया। भला कहाँ देव और कहाँ मनुष्य, मैं अभी जाकर उसे डराकर इंद्र के वचन को झूठा कर देता हूँ। यह विचार कर उस देव ने मनुष्य लोक में आकर मुसल के समान मोटे चपल दो जीभ युक्त काजल के समान काला भयंकर फुफकार सहित अत्यंत क्रूर आकारधारी विस्तृत क्रोधी विशाल फना युक्त और चमकते हुए मणि वाले बड़े सर्प का रूप धारण कर उस वृक्ष को चारों ओर से लपेट लिया। जिस पर चढ़ उतर करके वे लड़के खेल रहे थे उसे देखकर सारे ही कुमार भयभीत होकर वहां से दूर भाग गए। श्री वर्धमान कुमार निर्भय होकर वहां जाकर उसे हाथ में पकड़कर दूर फेंक दिया। फिर वे सब कुमार वर्धमान के पास आकर गेंद का खेल खेलने लगे। उस देव ने विचारा कि वर्धमान कुमार इस तरह नहीं डरे, इसलिए अब दूसरी तरह से डराऊंगा। ऐसा विचार कर वह देव भी कुमार का रूप धारण कर उन सब के बीच में खेलने लगा। उस खेल में यह शर्त थी कि जो कुमार हार जाए वह जीतने वाले कुमार को अपनी पीठ पर चढ़ाए। अब यह देव कुमार जानबूझकर वर्धमान कुमार से हार गया। शर्त के अनुसार वर्धमान कुमार को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उस देव ने 7 ताल वृक्ष के समान ऊंचा शरीर बना लिया।
भगवान ने ज्ञान से उसका स्वरूप जानकर उसकी पीठ पर वज्र के समान कठिन मुष्टि प्रहार किया। मुष्टि प्रहार की वेदना से देव पीड़ित होकर मच्छर के समान संकुचित शरीर वाला बना और उसने इंद्र का वचन सत्य मानकर अपना स्वरूप प्रकट किया तथा सब वृतांत सुनाकर प्रभु से अपने अपराध की बारंबार क्षमा मांगी। देव अपने स्थान पर चला गया। उस समय संतुष्ट होकर इंद्र ने प्रभु को बाल्यावस्था में ही महान पराक्रमी और धैर्यशाली देखकर प्रभु का वीर नाम रखा। प्रभु का पाठशाला में जाना। अब भगवान 8 वर्ष से कुछ अधिक उम्र के हुए तो भी परम हर्षित माता पिता ने मोह से सामान्य पुत्र की तरह पढ़ने के लिए पाठशाला भेजने का विचार किया। शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में महोत्सव पूर्वक सब प्रकार की तैयारी करके सगे संबंधियों को हाथी घोड़े आदि वाहनों से हार मुकुट कुंडल बाहुबंद कंकन आदि आभूषणों से और पंचवर्णी रमणी वस्त्रों से आदरपूर्वक सत्कार किया। पढ़ाने वाले पंडितों के योग्य बहुमल्य मूल्यवान जवेरात विविध प्रकार के वस्त्र और श्रीफलादि उत्तम वस्तुएं तैयार कराकर पाठशाला के विद्यार्थियों को देने के लिए सुपारी शक्कर बादाम किशमिश चरोली मिठाई और विविध प्रकार की खाने की चीज़ें तथा अनेक प्रकार के वस्त्र तैयार कराकर मंगाए। सुवर्ण रत्न और चांदी से जड़ित कलम दवात तख्ती आदि पढ़ने के उपकरण तैयार करवाए। सरस्वती देवी की प्रतिमा की पूजा के लिए कीमती रत्नों और मोतियों से जड़ित सुवर्ण के मनोहर आभूषण तैयार कराए। कुल की वृद्ध स्त्रियों ने प्रभु को पवित्र जल से स्नान कराकर चंदन कपूर आदि सुगंध पदार्थों से विलेपन किया। उसके बाद उत्तम वस्त्रों दिव्य आभूषण और पुष्पमाला से अलंकृत किए हुए प्रभु को सोने की सांकर से शोभित उत्तम हाथी के ऊपर पर बिठाया गया और सेवकों ने प्रभु के मस्तक पर ऊपर रमणीय छत्र धारण किया। चंद्र की किरणों जैसे सफ़ेद चामर विंजने लगे। गवैये गीत गाने लगे। बाजे मधुर स्वर में बजने लगे और विविध प्रकार के मनोहर नाच होने लगे। याचकों को इच्छित दान देने लगे और चतुरंगी सेना से परिवृत से श्री वर्धमान कुमार इस तरह महोत्सव पूर्वक पंडित के घर पधारे। पंडित भी राजकुमार को पढ़ाने योग्य क्षीर समुद्र के जल समान उज्ज्वल धोती पहन सुवर्ण का यज्ञोपवीत धारण करके केसर का तिलक कर आभूषणों से अलंकृत बनकर श्री वर्धमान कुमार के आगमन की राह देख रहे थे। उस समय समुद्र में पड़ते चंद्रमा के प्रतिबिंब समान वायु से उड़ती पताका के समान स्त्री के चित समान पीपल के पत्र के समान हाथी के कर्ण समान कपटी के बयान समान और राजा के मान समान और इंद्र का सिंहासन चलायमान हुआ। इससे अतिशय विस्मय हुआ। खुद का अचल सिंहासन इस तरह अकस्मात चलायमान हुआ देख इंद्र ने और अवधि द्वारा प्रभु का सब वृतांत जानकर इंद्रदेवों से कहने लगे कि अहो यह कैसा आश्चर्य, प्रभु को पाठशाला में पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं। यह भी वैसे ही है जैसे आम्र वृक्ष पर उसके पत्तों की बंधन बार बांधना, अमृत में मिठास डालना, सरस्वती को पाठ विधि सिखलाना, चंद्र में सफेदी का आरोपण करना, सुवर्ण को सुवर्ण के पानी से छींटे देना, ऐसा ही वीर प्रभु को पढ़ाने के लिए पाठशाला में ले जाना है। तीर्थंकर के सामने जो वचन बोलते हैं वे तो माता पिता के समक्ष मामा की प्रशंसा करने के समान है। लंका नगरी में जाकर समुद्र की लहरों का वर्णन करना, समुद्र को नमक की भेंट करना, वैसा ही है भगवान को पढ़ाना है। जिनेश्वर बिना पढ़े ही सर्वशास्त्र पारगामी विद्वान और निर्द्रव्य परमेश्वर बिना ही अलंकार मनोहर है। इसलिए मेरा फर्ज है कि भगवान का अभिनय न होने देना चाहिए। यह विचार कर इंद्र तुरंत ही ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ पर आए जहाँ प्रभु थे। पंडित के आसन पर प्रभु को बैठा कर ऐसे प्रश्न पूछे जो व्याकरण में अधिक कठिन होने से उन प्रश्नों की सिद्धि पंडित भी नहीं
नहीं कर सकता था। खुद के मन में बहुत समय से रही हुई शंकाओं को पूछकर देखकर पंडित विचारने लगा कि लंबे समय से शास्त्रों का अभ्यास करने पर भी जो शंका का निवारण न हो सका तो उन शंकाओं का निराकरण यह बालक किस तरह कर सकेगा। इस तरह लोग भी विचारने लगे और ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर यह बालक किस तरह से दे सकेगा। इस तरह पंडित तथा लोगों को विचार मग्न लोग विचार कर रहे थे तो उत्तर की राह देख रहे थे। उतने में प्रभु ने प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उस वक्त से जैनेन्द्र व्याकरण हुआ और यह बनाव देखकर पंडित भी आश्चर्यचकित होकर मन में विचार करने लगा कि अहो इस बालक वर्धमान कुमार ने इतनी विद्या कहाँ से सीखी होगी। कैसे आश्चर्य की बात है, मेरे मन में जन्म से ही संदेह थे और जिन्हें आज तक किसी ने भी दूर नहीं किए थे उन्हें आज इस बालक महावीर ने दूर कर दिए हैं। जो इतनी विद्या जानने वाले इस बालक में कितना गांभीर्य है और ऐसे महापुरुष में ऐसे गुणों का होना युक्त ही है। शरद ऋतु में मेघ गरजता है परंतु वर्षता नहीं, वर्षा ऋतु में गरजता नहीं परंतु वर्षता है। इसी प्रकार नीच मनुष्य बोलते तो बहुत है परंतु करते कुछ नहीं और उत्तम पुरुष बोलते नहीं किंतु कर दिखाते हैं। ऐसे ही असार पदार्थ का आडंबर ही विशेष होता है। जैसे कि कांसी का आवाज होता है वैसा सुवर्ण का नहीं होता है। ऐसे विचार करते हुए पंडित से इंद्र ने कहा कि विप्र इस बालक को साधारण मनुष्य मात्र मत समझना, ये कि तीन लोक के नाथ एवं सर्वशास्त्रों के पारगामी और अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर प्रभु है। भगवंत की स्तुति कर इंद्र अपने स्थान पर चला गया। भगवान भी ज्ञात कुल के सकल परिवार युक्त अपने घर पर आ गए। प्रभु की बाल्यावस्था बीतने पर, यौवन अवस्था आने पर और भोग समर्थ होने पर उनके माता पिता ने शुभ तिथि नक्षत्र मुहूर्त देखकर प्रभु के साथ समरवीर राजा की यशोदा नाम की पुत्री का पाणी ग्रहण कराया। उसके साथ सांसारिक सुख भोगते हुए प्रभु को एक पुत्री प्रिय दर्शना हुई और उसे राजकुमार जमाली नामक अपने भांजे के साथ ब्याह करा दिया। उसको भी एक शेषवती नाम की पुत्री हुई जो प्रभु की दोहती लगती थी। श्रवण भगवान महावीर प्रभु के पिता काश्यप गोत्रीय थे। उनके तीन नाम थे सिद्धार्थ श्रेयांश और यशस्वी। श्रवण भगवान महावीर प्रभु की माता का वशिष्ठ गोत्र था। इस प्रकार के उसके भी तीन नाम थे त्रिशला विदेहदिना और प्रीतिकारिणी। श्रवण भगवान महावीर के चाचा का नाम सुपार्श्व, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना और पत्नी का नाम यशोदा कौंडिन्य गोत्रीय थी। श्रवण भगवान महावीर प्रभु की पुत्री काश्यप गोत्र वाली थी और उसके दो नाम थे, एक अनुजा और दूसरा प्रियदर्शना। श्रवण भगवान महावीर प्रभु की कौशिक गोत्र वाली एक दोहती थी, उसके भी दो नाम थे शेषवती और यशस्वी। सभी भगवान का दीक्षा अवसर। सभी कलाओं में कुशल निपुण प्रतिज्ञा वाले अत्यंत सुंदर रूप वाले सर्व गुणों से अलंकृत सरल प्रकृति वाले इंद्रियों को काबू रखने वाले और विनय करने वाले प्रख्यात राजपुत्र ज्ञात कुल में चंद्र समान समचतुरस्त्र की मनोहरता के कारण सुंदर देह वाले विदेह दिन्ना त्रिशला क्षत्रियानी के पुत्र विदेह शब्द का गृहवास ऐसा भी अर्थ होता है। ऐसे गृहस्थावास में सुकुमार और दीक्षा के समय प्रभु उपसर्ग परिसह सहने में कठिन श्रवण भगवान महावीर प्रभु 30 वर्ष तक गृहस्थावस्था में रहकर माता पिता के स्वर्गवास के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो गर्भ में प्रतिज्ञा की थी कि माता पिता के जीते जी दीक्षा न लूँगा, सो पूर्ण हो जाने पर आवश्यक सूत्र के अभिप्राय से प्रभु के 28 वर्ष बीतने पर उनके माता पिता चौथे महेंद्र नाम के स्वर्गलोक में गए और आचारांग सूत्र के अभिप्राय से अनशन कर 12वें अच्युत देवलोक में गए। तब प्रभु ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से
तथा प्रधानों से कहा कि हे राजन, मेरा अभिग्रह पूर्ण हुआ है, अतः मैं अब दीक्षा ग्रहण करूँगा। तब नंदीवर्धन ने कहा कि हे भाई, माता पिता के विरह से खिन्न हुए मुझे ऐसी बात कहकर घाव पर नमक डालने के समान क्यों करते हो? प्रभु ने कहा कि भाई, माता पिता बहन भाई का संबंध तो इस जीव ने अनेक बार बांधा है, इसलिए नाहक क्यों प्रतिबंध करना चाहिए? नंदीवर्धन बोले, बंधु, यह सब कुछ मैं जानता हूँ, परंतु आप प्राणों से भी प्रिय हैं, तो आपका विरह मुझे अत्यंत पीड़ाकारक है, इसलिए आप मेरे आग्रह से 2 वर्ष तक घर में और रहो। प्रभु ने बड़े भाई का कहना मंजूर किया और कहा कि अच्छा, अब से लेकर मैं घर में रहूँगा और मेरे लिए किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ न किया जाए, मैं प्रासुक आहार पानी ग्रहण करके रहूँगा। नंदीवर्धन राजा ने भी यह बात मंजूर कर ली। इन दो वर्ष तक प्रभु ने वस्त्रालंकार विभूषित रहकर भी प्रासुक एसनी आहार पानी ही ग्रहण किया, कभी सचित पानी तक भी नहीं पिया और न ही कभी सचित जल से स्नान किया, एवं उस दिन से जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य पालन किया। परंतु दीक्षोत्सव में प्रभु ने सचित जल से ही स्नान किया, क्योंकि उस प्रकार का आचार है। अब प्रभु को वैराग्यवान देखकर 14 स्वप्नों से सूचित चक्रवर्तीपन की बुद्धि से सेवा करते श्रेणिक और चंड प्रद्योत आदि राजकुमार अपने अपने स्थान पर चले गए। समाप्त हुई प्रतिज्ञा जिनकी, ऐसे प्रभु दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुए। और दूसरी ओर लोकांतिक देव अपना शाश्वत आचार जानकर वहां आकर इष्टकांत और मनोज्ञ वाणी से प्रभु को बोध कराते हैं। उसे सूत्रकार कहते हैं कि जित यानी अवश्य रूप से तीर्थंकरों को दीक्षा के अवसर का बोध कराने के आचार वाले ब्रह्मलोक निवासी 9 प्रकार के लोकांतिक देव, उनके नाम इस प्रकार है: सारस्वत, आदित्य, वन्ही, वरुण, गर्दोय, तुषित, अव्याबाद, अग्नि और अरिष्ट। 9 प्रकार के लोकांतिक ये देव प्रभु को वल्लभ लगे ऐसी यावत, जिसे हमेशा सुनने की इच्छा हो, ऐसी मन में विनोद करने वाली अति सुंदर होने से मन में बराबर ठस जाए ऐसी सुंदर ध्वनि, मनोहर वर्णों और स्पष्ट उच्चारण वाली, समृद्धि करने वाली, उपद्रवों को हरने वाली, धन को प्राप्त कराने वाली, अनर्थ विनाशकारी, मंगलकारी अलंकार से सुशोभित, जिसको सुनते ही हृदय में अर्थ का बोध हो, ऐसी सुकोमल होने से हृदय को प्यारी लगे, हृदय में आह्लाद अत्यंत करने वाली, हृदय में शोक का नाश करने वाली, और जिसमें पद तथा वाक्य थोड़े हो और अर्थ बहु निकलता हो, ऐसे सुनते ही कान में मुख उत्पन्न करने वाली और सुंदर लालित्य से मनोहर प्रकार की वाणी से प्रभु को निरंतर अभिनंदित करते हुए, यानी प्रभु का सत्कार करते हुए तथा प्रभु की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले: प्रभु तो स्वयं संबुद्ध है, खुद ही बोध को प्राप्त किए हैं और उसी से दीक्षा अंगीकार करने के लिए किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, स्वयं दीक्षा लेते हैं। लेकिन लोकांतिक देवों का ऐसा आचार होता है, तीर्थंकरों के दीक्षा के अवसर का बोध कराए और उसी से ही लोकांतिक देव ने प्रभु को दीक्षा के अवसर पर बोध कराने के लिए कहा कि हे समृद्धिशाली, आपकी जय हो, कल्याणवंत आपकी जय हो, हे प्रभु आपका कल्याण हो, जगत का उद्धार करने का भार वहन करने में समर्थ होने से हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ ऋषभ समान आपकी जय हो, आपका हे भगवान आप बोध को प्राप्त करो, दीक्षा स्वीकार करो, हे लोगों के नाथ, सकल जगत के जीवों को हितकारी ऐसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करो, जो समस्त लोक में सर्व जीवों का हित करने वाला, सुख करने वाला तथा मोक्ष करने वाला होगा। इस प्रकार कहकर वे लोकांतिक देव जय जय शब्द बोलते हैं। श्रमण भगवान महावीर प्रभु को तो मनुष्य के उचित प्रथम से ही अनुपम उपयोग वाला तथा केवल ज्ञान उत्पन्न हो तब तक टिकने वाला अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन था। उससे ही वे अपने अनुत्तर एवं आभोगिक
ज्ञान दर्शन से अपने दीक्षा समय को स्वयं जानते हैं। जानकर अब वे चांदी अथवा सोने को त्याग कर, चांदी को त्याग कर, धन को त्याग कर, राज्य को त्याग कर, देश तथा हाथी घोड़ा रथ और पैदल रूप चतुरंगी सेना, वाहन खच्चर, धन के ककेर तन भंडार, अन्न के भंडार, नगर अंतःपुर और देशवासी जन समूह को त्याग कर एवं रत्न मणि मोती के खजानों को दक्षिणा और शंख शीला यानी राजाओं से मिली पदवियों को त्याग कर प्रवाल स्फटिक परवाला और मानिक प्रमुख रत्न हीरा पन्ना आदि पदार्थ त्याग कर अर्थात उन सार वस्तुओं को भी असार समझकर अस्थिर जानकर अर्थी जनों को दान करते हुए जिसको जैसा दान उचित समझा उसको वैसा ही देकर गोत्रीय जनों के विभाजित दान देकर प्रभु निकलते हैं। इस सूत्र के द्वारा प्रभु वार्षिक दान सूचित किया गया है। दीक्षा के दिन से पहले एक वर्ष तक शेष रहने पर प्रातःकाल उठकर प्रभु वार्षिक दान शुरू करते हैं और वह दान सूर्योदय से लेकर मध्याह्न समय तक देते हैं। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन 1,08,00,000 सुवर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। जिसको जो चाहिए वह मांगे ऐसी घोषणा पूर्वक जिसे जो चाहिए वह देते हैं। वह समस्त द्रव्य इंद्र की आज्ञा से देवता पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार एक वर्ष में 388,80,00,000 सुवर्ण मुद्राएं दान में दी गई। यहाँ पर कवि उस वार्षिक दान का वर्णन करते हैं कि दरिद्री जैसे वेश वाले अर्थी प्रभु के पास से जब समृद्ध होकर घर आता है तब उनकी स्त्रियाँ भी उन्हें पहचान नहीं सकी और उन्हें हम इसी घर के मालिक हैं ऐसी कसम दिलाकर घर में घुसने देती है और लोग उपहास करते हैं कि देखो तुम्हारे घर में कोई अन्य न आ जाए। इस प्रकार वर्षी दान देकर प्रभु ने फिर नंदीवर्धन राजा से कहा, भाई अब आपके कथनानुसार भी समय पूर्ण हो गया है, अतः मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा। यह सुनकर नंदीवर्धन राजा ने भी दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। अब आज्ञा देने के बाद नंदीवर्धन राजा ने प्रभु का दीक्षा महोत्सव करने के लिए क्षत्रिय कुंड ग्राम में ध्वज पताका और तोरण शरणागर शरणगार शनगार और बाजार को साफ कराया, रंग से रोगन के सुशोभित कराया और उत्सव देखने के लिए आए हुए लोगों को बैठने के लिए मंच बनवाए। योग्य स्थान पर पंचवर्णी पुष्पों की मालाएं लटकाई गई। इस प्रकार कुंडपुर ग्राम को देवलोक के समान सजाया और नंदीवर्धन राजा और इंद्र ने सुवर्ण चांदी के और सोना चांदी और सोने और रत्नों के और चांदी और मिट्टी के और प्रत्येक के 1,008 कलश होते हैं और दूसरी भी सब सामग्री तैयार करवाई। फिर अच्युतेंद्र 64 इंद्रों ने आकर भगवान को पूर्व दिशा सन्मुख बैठाकर अभिषेक किया। देवकृत कलश दिव्य प्रभाव से नंदीवर्धन राजा के बनवाए हुए कलशों में प्रविष्ट होने से अत्यंत शोभते हैं। देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र से लाए हुए पवित्र जल से, तीर्थों की मिट्टी से तथा सकल औषधियों से नंदीवर्धन राजा ने प्रभु का अभिषेक किया। उस समय इंद्र झारी तथा दर्पण हाथ में लेकर प्रभु सम्मुख खड़े जय जयकार शब्द बोलते थे। इस प्रकार प्रभु को स्नान कराने के बाद गंध कसाई नामक वस्त्र से उनका शरीर सुखा किया और फिर दिव्य चंदन का विलेपन किया और दिव्य पुष्पों की मालाएं और उनके गले में धारण कराई गई जिसके किनारों पर सुवर्ण का काम किया गया है। स्वच्छ उज्जवल ऐसे लाख मूल्य वाले श्वेत वस्त्र से प्रभु ने अपने शरीर को ढक लिया। हार से वक्षस्थल को शोभायमान किया, बाजूबंद और कंकनों से भुजाओं को सजाया, कर्ण कुंडलों से गालों को सुशोभित किया। अब श्री नंदीवर्धन राजा द्वारा बनाई हुई 50 धनुष लंबी और 25 धनुष चौड़ी एवं 36 धनुष ऊंची सुवर्णमय सैकड़ों स्तंभों से शोभती हुई मणि रत्नों से एवं स्वर्ण से विचित्र तथा
दिव्य प्रभाव से देवकृत पालकी जिसके अंदर समा गई हैं, ऐसी चंद्र प्रभा नामक पालकी में बैठकर प्रभु दीक्षा ग्रहण करने के लिए चले। भगवान का दीक्षा महोत्सव। उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महावीर ने हेमंत ऋतु के प्रथम माह मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष दशमी के दिन पूर्व दिशा तरफ छाया के आने पर प्रमाण सहित न कम न अधिक ऐसी पिछली शाश्वत पोर्सी के आने पर सूरत नामक दिन में विजय नामक मुहूर्त में और छठ की तपस्या करके शुद्ध लेशिया वाले प्रभु पर्वोक्त चंद्र प्रभा नामक पालकी में बैठकर पूर्व दिशा में सन्मुख सिंहासन पर बैठे और वहाँ प्रभु के दाहिने और हंस के लक्षण युक्त वस्त्र धोती आदि लेकर महत्रिका बैठी और दीक्षा के उपकरण लेकर प्रभु की धाव माता बैठी। प्रभु के पिछली तरफ हाथ में श्वेत छत्र लेकर उत्तम श्रृंगार धारण कर एक तरुणी स्त्री बैठी। ईशान कोण में एक स्त्री संपूर्ण भरा हुआ कलश लेकर बैठी। अग्निकोण में मणिमय पंखा हाथ में लेकर भद्रासन पर बैठी। फिर नंदीवर्धन राजा की आज्ञा से राज पुरुष जब उस पालकी को उठाते हैं तब तुरंत ही शक्रेंद्र दाहिनी तरफ की बाहु को उठाता है। ईशानेंद्र उत्तर तरफ की ऊपर की बाहु को उठाता है। चमरेंद्र दक्षिण तरफ की नीचे की बाहु को उठाता है तथा बलिंद्र उत्तर की तरफ की नीचे की बाह को उठाता है। शेष भुवनपति ज्योतिष का और वैमानिक इंद्र हाथ लगाते हैं। आकाश से देवता पंचवर्ण पुष्पों की वृष्टि करते हैं। देव दुंदुभी बजाते हैं। वे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पालकी को उठाते हैं। फिर शक्रेंद्र और ईशानेंद्र उन बाहों को छोड़कर प्रभु को चामर झालते हैं। इस प्रकार प्रभु पालकी में बैठकर दीक्षा लेने जा रहे हैं। तब अनेकानेक देव देवियों से आकाश तल शरद ऋतु में पद्म सरोवर के तुल्य प्रफुल्लित अलसी के वन समान कलियर के वन सरीखा और चंपा के बगीचे सदृश तथा पुष्पित तिल के वज्र समान मनोहर शोभता था। निरंतर बजते हुए भंबा भेरी मृदंग दुंदुभी और शंखादि के निनादों से गगन तल में तथा भूतल में पसर रहे थे। उन निरंतर बजने वाले अनेक बाजों के कर्णप्रिय सुंदर शब्द सुनकर नगर की स्त्रियां अपने कार्यों को छोड़कर वहां आती हुई अपनी विविध प्रकार की चेष्टाओं से मनुष्य को आश्चर्यचकित करती थी। कहा भी है कि तिन्नीवी थियो वल्लहा कली कज्जलम सिंदूरम ए पुन अतिथि ही वल्लहा दूध जमाई तुर। यानी स्त्रियों को तीन चीज़ें प्रिय होती हैं, एक कलेश, दूसरा काजल और तीसरा सिंदूर। इसी प्रकार तीन वस्तु अति प्रिय होती हैं, एक दूध, दूसरा जमाई और तीसरा बाजा। तो उसी से नगर स्त्रियाँ बाजों की आवाज़ सुनकर खुद का काम अधूरा छोड़कर विचित्र चेष्टाओं से दौड़कर आती है, जिसे देखकर हंसना आ जाए। कोई स्त्री उत्सव देखने की शीघ्रता के कारण अपने गालों पर काजल और आँखों में कस्तूरी डालाई। अनेक स्त्रियां जल्दी में गले के हार आदि आभूषण पैरों में और पैरों के झांझर गले में पहन आई। अनेक स्त्रियों ने गले का हार तगड़ी की जगह पहन लिया था और तगड़ी हार की जगह पहन ली थी। गोशीर चंदन पैरों पर लगाया हुआ था और पैर रंगने के कारण तैयार की हुई मेहंदी शरीर पर लगा ली थी। कोई अर्ध स्नान कर भीगे शरीर से पानी टपकाती खुले केस वाली पगली सी दौड़ती आ रही थी। वे ऐसी अवस्था में आती हुई मनुष्य को भय तथा पहचानने के बाद हास्य कराती थी। यानी कोई भोली स्त्री तो जल्दी दौड़ने के कारण उनके वस्त्र भी खिसक गए हैं और हाथ में नाड़ा ही पकड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति होने पर भी उन्हें जरा भी शर्म नहीं लगी, क्योंकि सब लोग प्रभु को देखने के ध्यान में मग्न थे। अनेक स्त्रियां तो प्रभु का दीक्षा महोत्सव देखने की उत्सुकता में यहाँ तक बेभान हो गई थी कि अपने रोते हुए बच्चों को छोड़कर
पास में खड़े बिल्ली के बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर गोद में उठा लाई थी। कोई स्त्री प्रभु के दर्शन कर मन में कहती थी, आहा कैसा सुंदर रूप है, कैसा तेज है, आहा शरीर का सौभाग्य कैसा है, मैं विधाता की चतुराई पर क्या कहूँ जिसने ऐसा सुंदर रूप बनाया है। विकसित कपोल वाली अनेक स्त्रियां प्रभु के मुख को देखने में ऐसी तल्लीन थी कि उनके शरीर से सुवर्ण के आभूषण निकल जाने पर भी उन्हें मालूम नहीं होता था। कोई चंचल नेत्र वाली स्त्री तो अपने हाथों से प्रभु की ओर मोती फेंकती थी, अनेक बाजों की तान में आकर मधुर स्वर में गाने लगी और अनेक आनंद में आकर नाचने लग गई। इस प्रकार नागरिकों द्वारा जिसका दीक्षा महोत्सव देखा जा रहा है, ऐसे प्रभु के आगे प्रथम रत्नमय अष्टमंगल चलते हैं, जिनके नाम हैं स्वस्तिक, श्रीवस्त, नंदावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्ययुगल और दर्पण चलने लगे। और उसके बाद पूर्ण कलश, सारी जारी, चामर, बड़ी पताका, वेडू रत्न, दंड पर रखा हुआ श्वेत छत्र, मणि और सुवर्णमय पाद पीठ वाला सिंहासन चलने लगा। फिर सवार सहित 108 उत्तर हाथी चलने लगे और उनके पीछे 108 घोड़े, 108 घंटे और पताकाओं से सजे हुए और शस्त्रों से भरे हुए उत्तम रथ, बख्तर पहने हुए सर्वांग सुंदर ऐसे 108 पुरुष, फिर अनुक्रम से घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सेना, फिर 1000 छोटी पताकाओं से मंडित 1000 योजन ऊंचा महेंद्र ध्वज चलने लगा। उनके पीछे खड़गधारी, भालों को धारण करने वाले ढालधारी चलने लगे, उनके पीछे बाजोंधारी चलने लगे, उनके पीछे हास्य तथा नृत्यकार करने वाले जय जय शब्द करते भाट, चरण, चारण आदि चलने लगे। फिर बहुत से उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, क्षत्रिकुल के राजा, कोतवाल, मांडलिक, कौटुंबिक, सेठ लोग, सार्थवा, देव देवियां प्रभु के आगे पीछे और बाजू में चलने लगे। बाद में स्वर्ग में मृत्यु लोक में और पाताल लोक में रहने वाले देव, मनुष्य और असुर चलने लगे तथा आगे शंख बजाने वाले चक्रधारी, हलधारी अर्थात गल में सुवर्ण का हलके का आकार वाले आभूषणधारी, मुख में मांगलिक वचन बोलने वाले प्रियवादी और दूसरों को जिन्होंने अपने कंधे पर बिठाया हुआ है ऐसे मनुष्य बिरुदावली बोलने वाले और घंटों लेकर चलने वाले रावलिये, उन सबको समुदाय से वेष्टित प्रभु के कुल की वृद्ध नारियाँ इष्ट विशेषणों वाले वचनों से अभिनंदित करती हुई बोलती है कि जय जय नंदा, जय जय भद्दा अर्थात समृद्धिवन, हे भद्रकारक आपकी जय हो, आपका कल्याण हो तथा अर्जित इंद्रियों के अतिचार रहित ज्ञान दर्शन चारित्र से वश में करो, वश किए हुए श्रमण धर्म को पालन करो, हे प्रभु सर्व विघ्नों को जीतकर सर्व सिद्धि में निवास करो, बाह्य और अभ्यंतर तप से राग द्वेष रूपी मलों को नष्ट करो, हे प्रभु उत्तम शुक्ल ध्यान से धैर्य में प्रवीण हो, अष्ट कर्म रूप शत्रुओं का नाश करो, हे वीर अप्रमत होकर तीन लोक रूप जो मल्ल वृत्त का अखाड़ा है उसमें तुम आराधना रूपी विजय पताका ग्रहण करो, आवरण और तिमिर रहित अनुपम के केवल ज्ञान को प्राप्त करो और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप तुम पूर्व तीर्थंकरों द्वारा कथन किए हुए ऋषभ आदि अकुटिल यानी सरल मार्ग से परिसहों की सेना को हन कर आप मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करो, हे क्षत्रियों में वृषभ समान आप जय प्राप्त करो, जय पाओ, हे प्रभु आप बहुत से दिनों तक, बहुत से पक्षों तक, बहुत से महीनों तक और दो दो माह की हेमंत, छह माह के दक्षिणायन और उत्तरायण लक्षण ऐसी बहुत सी ऋतुओं, बहुत से आयनों तक और बहुत से वर्षों तक परिसहों और उपसर्गों से निडर होकर बिजली, सिंह आदि के भय और भैरवों की क्षमाशीलता से सहन करते हुए विजय प्राप्त करो,
तथा आपके धर्म में विघ्नों का अभाव हो, इस प्रकार कहकर फिर जय जय के शब्द बोलने लगी। अब श्रवण भगवान महावीर प्रभु क्षत्रिय कुंड ग्राम के मध्य से होकर महोत्सव के लिए हाथ बांधकर बैठे हुए लोगों की हजारों नेत्र पंक्तियों द्वारा दिखते हुए हजारों श्रेणीबद्ध मनुष्यों की मुख पंक्तियों से बारंबार अपनी स्तुति सुनते हुए हजारों ही हृदय पंक्तियों से आप जय पाओ, चिरकाल जियो, इस इत्यादि चिंतवन कराते हुए हजारों मनुष्यों के यह मनोरथ करते हुए हम उनके आज्ञाकारी सेवक भी बन जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। कांति रूप गुणों से आकर्षित होकर लोक समूह जिसे अपना स्वामी बनाने की स्पृहा करते थे, जिसे हजारों मनुष्य अंगुलियां उठा उठा कर दिखला रहे थे कि भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। दाहिने हाथ से हजारों स्त्री पुरुषों के नमस्कार की पंक्तियों को ग्रहण करते हुए हजारों मानव समूह के साथ आगे बढ़ते हुए, हजारों भवन पंक्तियों से आगे बढ़ते हुए तथा वीणा हाथ की तालियां, गीत, भिन्न भिन्न प्रकार के वाजिंद्रों के मधुर मनोज्ञ जय जय उद्घोषणा से मिश्रित हुए मनुष्यों के अति कोमल शब्दों से सावधान होते हुए समस्त छत्रादि राज चिन्ह से युक्त तथा और आभूषणों की सर्व प्रकार की कांति सहित हाथी घोड़े प्रभु सभी प्रकार के सैन्य सहित ऊंट खच्चर शिबिका प्रमुख सभी प्रकार के वाहनों युक्त महाजनों एवं स्वजनों के मिलाप से सभी प्रकार के आदरपूर्वक सभी प्रकार की संपदा सहित सभी प्रशोभा युक्त हर्ष की उत्सुकता पूर्वक 18 प्रकार की नगर में निवास करने वाली प्रजा सहित और सभी तलाचरों यानी कि ताली बजाने के नाच करने वाले अथवा ताली बजाते हुए कथा कहने वाले नाटक तब सभी अंतेउर सहित सभी प्रकार पुष्प गंधमाला और अलंकारों की शोभा से युक्त सभी बाजों के एकत्रित शब्दों की ध्वनि से राज चिन्ह रूप महल रिद्धि से युक्त होकर सैन्य तथा समकालीन बजते हुए शंख पड़ह भेरी झलरी खटमुखी हुडुक और देव दुंदुभी के निकलते हुए प्रतिरूप बड़े शब्द युक्त इस प्रकार की अनुपम रिद्धि से दीक्षा ग्रहण करने को जाते हुए प्रभु के पीछे चतुरंगी सेना से वेष्टित एवं मनोहर छत्र चामरादि से सुशोभित नंदीवर्धन राजा चलते हैं। हाथों के ऊपर चढ़े हुए मंगल क्षत्रिय कुंड ग्राम के बीच से निकलते हैं और निकलकर ज्ञात खंड उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे जाते हैं, जाकर प्रभु पालकी को ठहराते हैं। भगवान पालकी से नीचे उतरते हैं, उतरकर अपने अंग से स्वयं तमाम आभूषण उतार देते हैं। अंगुलियों से सुवर्ण मुद्रिकाएं, हाथों से वीरवलय, भुजाओं से बाजुबंद, कंठ से कुंडल एवं मस्तक से मुकुट उतारते हैं। उन समस्त आभूषणों को कुल की महतरा हंस लक्षण वाले वस्त्र में ले लेती है। लेकर वह गंभीर आवाज से इक्खाग कुल समुपन्ने सिनाम तुमम जाया, हे पुत्र तुम इक्ष्वाकु जैसे उत्तम कुल में जन्मे हो, तुम्हारा काश्यप उच्च गोत्र है और ज्ञात कुल रूप आकाश में पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सिद्धार्थ राजा के और त्रिशला रानी के पुत्र हो। देवेंद्रों और नरेंद्रों ने भी आपकी स्तुति की है। हे पुत्र इस संयम मार्ग में सावधान होकर चलना, महात्माओं के आचरण किए हुए मार्ग का आलंबन लेना, तलवार की धार के समान महाव्रतों का पालन करना, श्रमण धर्म में प्रमाद न करना इत्यादि आशीर्वाद देकर फिर प्रभु को वंदन कर वे एक तरफ हट जाती है। प्रभु ने एक मुष्टि से दाढ़ी मुछके और चार मुष्टि से मस्तक के केशों का इस प्रकार पंच मुष्टि लोच किया, फिर पानी रहित छठ की तपस्या कर खुद ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग आने पर इंद्र द्वारा बाए कंधे पर एक देव दुष्य को धारण कर अकेले ही राग द्वेष रहित अद्वितीय जैसे
ऋषभदेव प्रभु ने 4000 राजाओं सहित मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ जी ने 300 के साथ, वासुपूज्य स्वामी ने 600 के साथ तथा शेष तीर्थंकरों ने 1000 के साथ दीक्षा ली थी। वीर प्रभु के साथ किसी ने भी दीक्षा नहीं ली थी, इसलिए प्रभु अद्वितीय थे। द्रव्य से केश लुंचन कर मुंडित हुए, भाव से क्रोध को दूर कर के मुंडित हुए, घर से निकलकर आगारीपन को त्याग कर अनगारीपन साधुपन को ग्रहण किया। दीक्षा की विधि इस प्रकार है, पंचमुष्टि लोच कर जब प्रभु सामयिक उच्चारने का विचार करते हैं तब इंद्र बाजे बंद करा देते हैं और प्रभु नमो सिद्धानम कहकर करेमि सामायम सावज्जम जोगम पचक्खामि इत्यादि पाठ उच्चार करते हैं, परंतु भंते पाठ नहीं बोलते क्योंकि उनका आचार ही ऐसा है। इस प्रकार चारित्र ग्रहण करते ही प्रभु को चौथा मनः पर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ। अब इंद्र देव प्रभु को वंदन कर नंदीश्वर द्वीप की यात्रा कर अपने स्थान पर चले गए। पुरीमा चरिमान कपो मंगलं वर्धमान तीतमि इह परिकहिया जिनगन हराई थीरावली चरियम। वीर संवत 2549, विक्रम संवत 2080, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 69, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8। भाद्रपद सुदी दूज रविवार दिनांक 17 सितंबर 2023, सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से भादो महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2549, विक्रम संवत 2080, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 69, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8। भाद्रपद सुदी दूज रविवार दिनांक 17 सितंबर 2023, सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से भादो महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2549, विक्रम संवत 2080, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 69, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8। भाद्रपद सुदी दूज रविवार दिनांक 17 सितंबर 2023, सूर्य ने कन्या राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से भादो महीना प्रारंभ हो गया। जो लाभार्थी परिवार हैं, श्री शादीलाल सुहाग जी, सुनीता जैन, भूखा जैन, भावना जैन, मुनिता और पारस जैन परिवार, और संघ की तरफ से लाभार्थी परिवार का जो है बहुमान किया जाएगा, बहुमान किया जाएगा। आज आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बीच में हमारे चंडीगढ़ शीर्षक की सबसे बुजुर्ग महिला जो 102 साल की है, कितनी 102 तो 102 साल की है बुजुर्ग महिला, हमारे चंडीगढ़ शीर्षक की सबसे बड़ी जो महिला है महिमावती। ये आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज का जो लाभ है संक्रांति का लाभ इन परिणाम में लिया है,
और आपको बताते हुए मुझे तो ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये जीरा की है, मेरे गांव की है, जीरा की है, जहाँ से आत्माराम गुरुदेव निकले, जहाँ से अपने क्या नाम बसंत सुनिवाल साहब निकले, यहाँ पे हमारे नित्यानंद सुनिश्वरी महाराज निकले, यहाँ से धर्मचंद महाराज साहब बड़े भैया सभी जिले से आए हैं, तो उसी गांव से ये है श्री मेमावती जी है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे चंडीगढ़ परिवार की सबसे बुजुर्ग जो महिला है उसको और की सूरज जी की माता जी हमारे चंडीगढ़ शीर्षण की बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम परिवार ने इन्होंने आज लाभ लिया, इनका बहुमान करते हुए हमें सबको बहुत ही प्रसन्नता खुशी और हृदय खटखट है। तो सबसे पहले हम माता जी बहुमान करेंगे, माला संघ की जो प्रधाना शक्ति कृपा हो गया है और इनका बहुमान बहुत बहुत अनुमोदन भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की। आज अति आनंद का विषय है कि महामंगलकारी ऐसे पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का छठा दिन है और छठे दिन श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र परमात्मा के जीवन चरित्र के बारे में उनके जीवन परिचय के बारे में बहुत ही सुंदर
विस्तार से कल्प सूत्र में बताया गया है। हमने पांचवा और छठा प्रवचन यानी छठा प्रवचन चालू है, तो महावीर की दीक्षा हो गई, दीक्षा परमात्मा ने ग्रहण कर ली है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद परमात्मा विहार करते हैं और विहार करते ही प्रथम दिन से ही परमात्मा को उपसर्गों का प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा समभाव से सहन करते हैं। तो उपसर्ग कैसे कैसे आते हैं, कितने हैं, वैसे तो हमने परमात्मा के जीवन चरित्र के बारे में, कहानियों के बारे में बहुत सुना है, उपसर्गों के बारे में भी बहुत सुना है, चंडकोशी का है, संगम देव का है, ऐसे कानों में खिले ठोके गए हैं, तो ये सारे उपसर्गों का वर्णन छठे प्रवचन में है। तो अभी हमारा, क्योंकि आज का जो दिन है, वैसे क्या होता है कि प्रवचन यानी पर्युषण पर्व के दिनों में सिर्फ प्रवचन ही होता है, यानी प्रवचन का ही इतना दो तीन घंटों का समय होता है कि दूसरे कार्यक्रम नहीं होते हैं, मात्र कल्प सूत्र का ही वाचन होता है। और गुजरात में भी मतलब इसी तरह से होता है, राजस्थान में भी इसी तरह से होता है कि लोग कल्प सूत्र पर ज़्यादा जोर देते हैं कि हमको कल्प सूत्र सुनना है। वैसे तो वहाँ पर भी पूजा होती है, स्नात्र पूजा भी होती है, लेकिन पढ़ाने वाले पूजा पढ़ा लेते हैं, प्रवचन पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको बहुत असर होता है कि सारे ज़्यादा लोगों का ध्यान पूजा पर होता है, प्रवचन पर एक कल्प सूत्र पर इतना नहीं होता है, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी आप लोगों से मेरा कहना है कि साधु साध्वियों का चातुर्मास हो तो सुबह सुबह में ये स्नात्र पूजा का आयोजन, स्नात्र पूजा होनी चाहिए, वो सुबह ही होती है, वो सुबह ही होती है, वो कोई दोपहर में नहीं होती है, लेकिन मतलब वो पूजा पढ़ाने वाले पूजा पढ़ा लेते हैं, वहाँ भी स्नात्र पूजा हर रोज़ होती, 360 दिन होती है, लेकिन वहाँ पर वो पूजा का असर दूसरे कार्यों पर नहीं होता। बहने तो चार पाँच बहने मिली, उन्होंने पढ़ा लिया, क्या किया उन्होंने पढ़ा लिया, और वो भी पढ़ाने वाली माताएं बहनें भी समय सर वो व्याख्यान में आके बैठ जाती है, वो भी पूरे व्याख्यान का लाभ लेती हैं। तो आज का सूर्योदय है, वो कई संदेश लेकर आया है, और इसमें हमारी स्नात्र पूजा और स्नात्र पूजा के बाद हमारा कल्प सूत्र और कल्प सूत्र के साथ साथ पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों में ये संक्रांति पर्व आया है, यानी बहुत कम होता है, बहुत वर्षों के बाद ये पर्युषण पर्व में संक्रांति आती है, पधारती है, और इसका जो लाभ है वो हमारे सुभाष जी और हमारे सूरज जी और हमारी माता जी महिमावंती जी, यानी 100-100 वर्ष माता जी ने पूरे 102 वर्ष पूरे किए हैं, और परिवार ने भी हमारे सूरज जी, मैं घर पर गया हूँ और इतनी माता जी इसकी सेवा करते हैं और तन मन धन, यानी माता जी का इतना पूरा ध्यान मतलब रखा जाता है, इतनी बढ़िया सेवा करते हैं कि माता जी अभी भी मतलब स्वस्थ लग रहे हैं और हमारे सामने सभी के सामने बैठे हैं। तो ये परिवार जी की, परिवार की भी हम अनुमोदना करते हैं कि ऐसे वड़ील माता जी की सेवा कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से माता को संभालना है, संभालते हैं। तो ऐसे तो ये संक्रांति का ठीक है, आप लोगों ने संक्रांति का लाभ लिया, लेकिन भूखन जी इतना मजा नहीं आए, एक और संक्रांति का लाभ लेना एक, क्योंकि पर्युषण में आए तो इतना मजा नहीं आया, तो आप एक संक्रांति का और लाभ ले लेना ठीक है। वो कह रहे हैं अगर आप तो ले ले।
नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उवज्जायानम नमो लोय सवसाहुनम एसोपंदनमुकारो सव पाव पनासनो मंगलानम च सबेसिं परमं हवई मंगलम उवसग्गहरं पासं पासं अंदामिकं मगनमुकं विसहर विसह निन्नास मंगल कल्लानावासं विसहर फुलिंगमंतं कंठे धारी जोसया मनुवो तस गह रोग मारी दुठ जरा जंती उवसामम चीठं उदरमंत तुझ पनामो वी बहुफल होई नरतिरेशु विजीवा पावंती न दुख दोगचम तुह सम्मति लद्धे चिंता मणि कपपाय वभहिये पावंती अविघ्नम जीवा यरा मरम ठानम य संथु ओ महायस भति भर निभरेन हियेन तादेव दिज बोहिम भवे भवे पास जिनचंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धी तना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयति सास भगवान महावीर स्वामी की जय जनम सूरी महाराज की जय।